तो डेफिनेशन क्या है वोल्टेज की? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में चार्ज को मूव करवाने के लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो इन्हें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, उन्हें हम कहते हैं वो वोल्टेज है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज के, डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी क्यू। अगर हमारे पास चार्ज ए पॉइंट पे है तो अगर बी बी पॉइंट तक मूव कर रहा है तो उस जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। सर्किट में हम नॉर्मली इसको प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो ए से जो चार्ज जो है वो बी की तरफ मूव होंगे, जो चार्जेस ए से बी की तरफ मूव होंगे, इन चार्जेस को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। इसका यूनिट होता है वोल्ट, जिसको वी से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे क्या होता है, जो वोल्टेज है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, एनर्जी का यूनिट जूल है और चार्ज का यूनिट कूलम है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इतने एक जूल डिवाइड बाय 1 कूलम के बराबर होता है। करंट का डायरेक्शन देखते हैं कि करंट हमारा जो है वो वोल्टेज को देखते हुए फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी एलिमेंट है, रेजिस्टर है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर है हमारे पास ये। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज का, दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट हमेशा जो है हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज ट्रेवल करता है। करंट का फ्लो बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह होता है। जैसा पानी जो है अपर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है, उसी तरह हमारे पास करंट जो है हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट जो है वो 10 वोल्ट से कम है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन हमारी इस साइड होगी, 10 वोल्ट टू 5 वोल्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 8.5 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है 8.5, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर दोनों साइड हमारे पास वोल्टेज सेम है, बिल्कुल जिस तरह पानी का अगर लेवल सेम हो तो वो फ्लो नहीं करता, तो इसी तरह अगर दोनों साइड वोल्टेज लेवल कंपोनेंट है, रेजिस्टर है, उसके दोनों साइड पे वोल्टेज हमारे पास इक्वल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो नॉर्मल सर्किट में हम वोल्टेज को ऐसे डिनोट करते हैं, डीसी वोल्टेज, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट इस कंपोनेंट के क्रॉस जो है वो अप्लाई हुई है। तो ये जो बड़ी बार है ये आपको 2 बार से हम नोट करते हैं वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को। तो जो बड़ी बार है वो पॉजिटिव को शो करती है और छोटी बार जो आपको नजर आ रही है वो नेगेटिव को शो करती है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव प्लस माइनस टू माइनस फाइव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो इससे पहले करंट कैसे फ्लो होता है वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है उसको ओपन करें और वहां से वो वीडियो देख लें। तो वोल्टेज के बारे में आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। थैंक यू।